हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मई मंथ के लिए। दिस इज़ पार्ट थ्री और इस पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है चाबहार पोर्ट डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता। हम बात कर रहे हैं इस डील के बारे में जिसके लिए इंडिया साइंड अ 10-ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल एट द पोर्ट। जो ये चाबहार पोर्ट है इसके मेनली दो टर्मिनल्स हैं। कौन कौन से टर्मिनल्स? शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलांत्री, जिसमें से शाहिद बेहेश्ती को ऑपरेट करने के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 ईयर की ये जो डील है वो साइन की है। और इस पोर्ट के ऑपरेशन के लिए भारत कितना इन्वेस्ट करेगा? अप्रॉक्सीमेटली $120 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि हमने कहा कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ईरान में लोकेटेड है। हम अगर मैप देखें तो देखिए भारत के पश्चिमी तरफ ये पड़ता है। पहले तो देखिए पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर, और जो ग्वादर पोर्ट है उसको कौन बना रहा है, कौन वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है मुख्य रूप से, तो ये बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। और भारत ईरान में यहाँ इस पॉइंट पर बना रहा है ये चाबहार पोर्ट, जिसको 10 साल तक हम ऑपरेट करने वाले हैं, उसका एक टर्मिनल विच इज शाहिद बेहेश्ती। अब इसी न्यूज़ से संबंधित है एक हमारे पास काट्सा। सबसे पहले अगर हम काट्सा की बात करें, काट्सा की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। यानी कि अमेरिका के द्वारा ये एक्ट लाया गया है, जो भी कंट्रीज इन तीन कंट्रीज़ के साथ, कौन सी तीन कंट्रीज़? ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। जो भी विश्व के देश जो हैं इन तीन कंट्रीज़ के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या कोई पोर्ट बना रहे हैं, तो अमेरिका उन पर काट्सा लगाने की धमकी देता है। क्या कहता है अमेरिका? कि हम आप पे, आपके एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे क्या लगा देंगे? सैंक्शंस लगा देंगे। सैंक्शंस का अर्थ है, मान लीजिए कि अगर हम यूएसए से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो वो उसमें कमी ला सकते हैं। अगर हम यूएसए कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट पर हैवी टैक्सेस लगा सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को कैसे ना कैसे करके नुकसान पहुंचे। किस लिए ये बनाया गया है? काट्सा इसलिए बनाया गया है ताकि मेनली ये जो तीन कंट्रीज़ हैं इनके नॉर्थ अमेरिका के साथ स्पेशली जो रिलेशंस है, नॉट नॉर्थ अमेरिका बट यूएसए के साथ पर्टिकुलरली रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये काट्सा इन तीन कंट्रीज के साथ रिलेशंस ना बने किसी और देशों के, इसलिए बनाया गया है। तो भारत किसके साथ पोर्ट डील कर रहा है? ईरान के साथ पोर्ट डील कर रहा है। इसीलिए यूएसए ने हमें काफ़ी इसके रिगार्डिंग धमकियां भी दी हैं कि हम आप पर काट्सा लगा सकते हैं अगर आप इसमें डील करने जा रहे हैं। काट्सा आपको याद रखना है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगली न्यूज़ हमारे पास है ब्लू ओरिजन्स NS-25 मिशन। और इस मिशन का क्या अर्थ हुआ? इसमें एक भारतीय व्यक्ति हैं जो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है गोपी थातुकुड़ा। फोटो में आपके सामने हैं गोपी जी, जो बनने वाले हैं फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। और इनकी अगर हम बात करें, ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड पायलट ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड ये जो NS-25 मिशन होने वाला है, दिस मार्क्स द 7th ह्यूमन फ्लाइट ऑफ द प्रोग्राम विच एस्पिरेशन टू एक्सपैंड बियॉन्ड सब ऑर्बिटल जर्नीज। अच्छा, ये जो ब्लू ओरिजिन है ये कंपनी किसने फाउंड की है? कौन इस कंपनी का फाउंडर है मेन? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, उन्होंने ये कंपनी की है फाउंड। और पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? गोपी थातुकुड़ा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। 21 मई को क्यों मनाया जाता है? टू कोमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, जो हमारे पूर्व पीएम रह चुके हैं श्री राजीव गांधी जी। 21 मई 1991 को उनको असेसिनेट कर दिया गया था। कैसे? एक महिला ने, जिसको हम सुसाइड बॉम्बर कह रहे हैं, मतलब एक बॉम्ब की वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। और उन्हीं के जो डेथ एनिवर्सरी डे है उसी को हम वर्तमान में मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे के रूप में। अगर हम राजीव गांधी जी की बात करें, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हिज मदर ही बिकेम द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40। यानी कि राजीव गांधी से पहले भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी की भी 1984 में हत्या कर दी गई थी, और जिस दिन उनकी हत्या की गई थी उसी दिन शाम में ही राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। एंड लेटर ऑन इनकी भी हत्या कर दी गई थी इन द ईयर 1991। अगर हम इनकी बात करें, सेम वर्ष में ही 1991 में ही बाद में इनको भारत रत्न, जो भारत का हाइएस्ट अवार्ड है, उससे भी सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट हम झील एक झील की बात कर रहे हैं जो बिहार में लोकेटेड है और उसका नाम है कांवर लेक। कांवर लेक जो है वो न्यूज़ में क्यों आई, इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो बहुत समय से ख़राब होती जा रही है। कंडीशन ऑफ द कांवर लेक हैज़ बीन डिटीरियोरेटिंग। जैसे कि मैंने कहा कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है, बिहार के भी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली लोकेटेड है, विच इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ताज़े पानी की झील है या फिर हम कहें मीठे पानी की झील है। ऑल्सो द फर्स्ट वेटलैंड साइट ऑफ बिहार रिकोगनाइज्ड इन 2020। जो रामसर वेटलैंड साइट्स होती हैं भारत में लगभग 75 हो चुकी हैं। सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुई थी ये कन्वेंशन, क्योंकि 2 फरवरी को हुई थी, इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और भारत में 2020 में बिहार में इसको फर्स्ट वेटलैंड साइट जो है बनाया गया था, और किसको बनाया गया था, कांवर लेक को बनाया गया था। क्यों हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है यहाँ से, बिकॉज इट इज़ अ रेजिडुअल ऑक्सबो लेक, जो किसकी वजह से बनी है, मुख्य रूप से गंडक नदी के कारण बनी है। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होती है आप फोटो में देख सकते हैं, मेनली रिवर की मेंड्रिंग के कारण ऑक्सबो लेक्स बनती है। मेंड्रिंग क्या चीज़ होती है, जैसे आप यहाँ समझिए इसे, इस तरह से नदी चलती है, राइट, ऐसे नदी मूव करती है मैदानों में, तो स्पेशली ऐसे ऐसे वो जाती है मेंड्रिंग करती हुई। और कई बार क्या होता है, इरोजन के कारण, मान लीजिए अगर ये वाला पोर्शन उससे कट हो जाए तो ये जो पोर्शन साइड में रहा ये किसका रूप धारण कर लेगा, ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, फोटो में यहाँ से अगर रिवर इस तरह से जा रही है, ये उसका एक पोर्शन है। और देखिए जब ये पोर्शन मीट हो गया यहाँ पर तो ये एकदम अलग से हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक, जो बनती है रिवर की मेंड्रिंग के कारण। कांवर लेक किस वजह से बनी है, किस रिवर की मेंड्रिंग के कारण बनी है, बिकॉज ऑफ गंडक रिवर्स मेंड्रिंग। कहाँ लोकेटेड है, तो बिहार में। नेक्स्ट हम बात करें एक अपॉइंटमेंट की जिनका नाम है इदाशिशा नौग्रेंग। जो इदाशिशा नौग्रेंग है वो बनी है फर्स्ट वीमेन डीजीपी ऑफ मेघालय, मेघालय की पहली वीमेन डीजीपी बनी है। और इसके साथ हम देखें, शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वीमेन एवर टू बिकम द डीजीपी ऑफ एनी स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहली बार कोई महिला इस पद पर पहुंची है डीजीपी के। अगर हम इनकी बात करें कहां से बिलोंग करती हैं, ये खासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और जो खासी कम्युनिटी है वो है मेनली मैट्रिलिनियल कम्युनिटी, यानी कि महिला प्रधान समाज वहां पर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम मेघालय की कुछ और कम्युनिटीज की बात करें, कुछ और ट्राइब्स की बात करें, तो हमारा आंसर हो जाएगा अदर टू आर गारो एंड जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मेघालय की बहुत मुख्य पर्वत भी हैं, मतलब पहाड़ियां हैं, और सेम मैनर में वहां के बहुत मुख्य ट्राइब्स भी हैं, उनमें से ही खासी ट्राइब से संबंध रखती हैं इदाशिशा जी। अगर हम इनके पहले कार्यकाल की बात करें, शी ऑल्सो सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेघालय सिविल डिफेंस सर्विसेज, तो वहाँ की डीजी रह चुकी हैं पहले, और अब वो बनी है डीजीपी ऑफ पुलिस। नाम आपको याद रखना है इदाशिशा नौग्रेंग। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन से, जापान वॉन द सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। जापान ने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। ये इस ट्रॉफी का 30th एडिशन था, और किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर जापान ने ट्रॉफी जीती। और कहाँ पर होस्ट हुई, कौन सी कंट्री में होस्ट हुई, तो एक दक्षिण पूर्वी जो देश है हमारे पास, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया, वहाँ पर ये जो ट्रॉफी है वो होस्ट की गई। और किससे संबंधित हो जाएगी, हॉकी से संबंधित हो जाएगी, जिसका विजेता रहा है जापान। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है इंटरनेशनल नर्सिस डे से। इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है, 12th of May को मनाया जाता है प्रतिवर्ष इंटरनेशनल नर्सिस डे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल। शी इज़ ऑफन रिकार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो फ्लोरेंस नाइटेंगल हैं, फोटो में आपके सामने हैं, इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। शी वॉज बॉर्न ऑन 12th of May 1820 एट फ्लोरेंस इटली, एंड शी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हालांकि आसान पॉइंट है कि लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटेंगल को कहा जाता है। 12th of May इंटरनेशनल नर्सिस डे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, वेनेजुएला में बी द फर्स्ट नेशन टू लूज इट्स ऑल ग्लेशियर्स। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश हो सकता है। अगर हम किस रिपोर्ट के द्वारा हमें ये न्यूज़ प्राप्त चली है वो देखें, रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। जो वेनेजुएला का लास्ट स्ट्रॉन्ग ग्लेशियर था
एंडीज में वो श्रंक हो चुका है, यानी कि वो ग्लेशियर की श्रेणी से अब बाहर आ चुका है, वो टूट के बिखर चुका है, छोटे भाग में बन चुका है, इसलिए वो ग्लेशियर में काउंट हो भी नहीं रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वेनेजुएला जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश होने वाला है जिसमें कोई ग्लेशियर ही नहीं है। आगे हम देखें, हमने क्रायोस्फेयर शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। क्रायोस्फेयर क्या होती है? इंक्लूड्स स्नो एंड आइस ऑन लैंड, आइस कैप्स, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट एंड सी आइस, यानी कि आइस से संबंधित आपको जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो सब कुछ मिलती हैं क्रायोस्फेयर में। और ग्लेशियर की बात करें, एक्युमुलेशन ऑफ आइस एंड स्नो दैट स्लोली फ्लोज ओवर द लैंड। पहले हम क्रायोस्फेयर देखते हैं। देखिए फोटो में आप देख पा रहे हैं कि क्रायोस्फीयर में जितनी भी आइस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल हो रही हैं, जैसे कि आइस कैप हो गया, ग्लेशियर हो गया, सी आइस हो गया, आइसबर्ग हो गया, आइस शेल्फ हो गया, जितनी भी आइस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी के सारे इंक्लूड हो रही हैं क्रायोस्फीयर में। अब हमने आगे कहा ग्लेशियर फोटो, दिस इज़ वेरी ईजी ऑब्वियसली। तो ये एक सॉलिड पीस ऑफ आइस जो पानी से भूमि के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, वहाँ पहुँच चुका है, दैट इज़ नोन एज ग्लेशियर। अब हम इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इससे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज़ वेरी इजी एंड ऑब्वियस पॉइंट, सी लेवल राइज, जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समुद्री जल तो बढ़ेगा ही ग्लेशियर मेल्ट होने से। अकॉर्डिंग टू नासा, इफ ऑल द ग्लेशियर मेल्ट इट विल इंक्रीज सी लेवल बाय मोर देन 60 meters, यानी कि नासा के अनुसार अगर विश्व के सभी ग्लेशियर्स को हम मेल्ट कर दें तो समुद्री जल का जो स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा, अप टू 60 meters। सेकंड रीजन क्या होगा, बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, वॉलरस आर लूजिंग देयर होम, पोलर बियर्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन लैंड कॉजिंग हायर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल एंड द बियर। ऑब्वियसली अगर आप ग्लेशियर्स को हटा रहे हैं तो वो कहाँ आएंगे, भूमि पर आएंगे, भूमि पर आएंगे तो मानव और पोलर बियर्स के बीच में, वॉलरस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के, कन्फ्लिक्ट यानी कि हमला कर देंगे वो इंसानों पर, उससे नुकसान हो सकता है। थर्ड इज़ डिज़ास्टर्स आएंगे। क्या डिज़ास्टर्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, जो इसको ग्लॉफ भी कहा जाता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्या होता है ये हम आगे भी एक न्यूज़ में समझने वाले हैं, यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपके सामने पिक्चर है, दिस वन ओवर हेयर, यहाँ पर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण उसके सराउंडिंग एरिया में जो पानी इकट्ठा हो गया वो किसका निर्माण करता है, वो एक ग्लेशियल लेक बनाता है। और ये ग्लेशियल लेक जब ओवरफ्लो हो जाती है तो वो एक डिज़ास्टर का रीज़न बन सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, ईरान्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी एंड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर डाइज इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी और देश के विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। यहाँ से हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि जैसे अब ईरान न्यूज़ में आ गया तो ईरान के साथ कौन सी कंट्री के बॉर्डर शेयर होता है, कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर नहीं होता है, वो न्यूज़ हमें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम मैप पे देखें कि ईरान कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के पश्चिम में लोकेटेड है ईरान। और ईरान का जो यहाँ वाला क्षेत्र, अगर आप आसानी से देख पाएँ तो मैं इसे जूम इन करूँ, यहाँ पर है कैस्पियन सागर विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक भी यही है, लार्जेस्ट लेक भी यही है। तो कैस्पियन सागर में यहाँ जैसे इस ईरान के पोर्शन में यहाँ पर हुआ वो हेलीकॉप्टर क्रैश जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। और अगर हम ईरान देखें, राजधानी हो जाएगी तेहरान, और कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो मेन तो क्या हो जाएंगे, इराक हो जाएगा, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ जिसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी, देन वी हैव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान, आर्मेनिया एंड टर्की, ये कुछ देश हैं जो करते हैं ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर। अगली न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज वी हैव न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम जिनका नाम है टू लैम। टू लैम बने हैं वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट। अगेन अगर हम वियतनाम को मैप में देखें कि वियतनाम कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री हमारे पास लोकेटेड है वियतनाम। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा मैप ग्रीन में है, बट येलो में जो कंट्री है दैट इज वियतनाम। और उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल हो जाएगी हनोई हमारे पास। नेक्स्ट न्यूज़, डोमिनिकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट लुइस अबियांडर री इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म, यानी कि डोमिनिकन गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं लुइस अबियांडर वो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। फोटो में आपके सामने है लुइस अबियांडर। और डोमिनिकन रिपब्लिक है वो कहाँ की कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन महासागर में कुछ छोटे छोटे देश आपके पास लोकेटेड हैं जैसे कि बहामास है, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, उसी में ही ये वाली जो कंट्री है आपके पास, दिस वन ओवर हेयर, दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक। और यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं लुइस अबियांडर।
भारत का जो स्टार बैडमिंटन प्लेयर है उनकी ये न्यूज़ है। सात्विक साईराज एंड चिराग वॉन मेंस डबल इन थाईलैंड ओपन 2024। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइटल्स इन्होंने पिछले वर्ष भी जीते थे, ओलंपिक्स के लिए भी ये चुने गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के लिए बहुत अच्छे मेडल्स लाने का कार्य करेंगे। और रिसेंटली इन दोनों ने, ये जो मेंस डबल खेलते हैं, इन्होंने कौन सी ट्रॉफी जीती है? थाईलैंड ओपन मेंस डबल, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन से ही है। UN अनाउंस टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल फुटबॉल डे ऑन 25th of May। संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है रशिया से। माइकल मिसुस्तिन री अपॉइंटेड एज PM ऑफ रशिया। फोटो में आपके सामने हैं व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में इन्होंने जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी सेकेंड टर्म के लिए किया है री अपॉइंट। नाम क्या हो जाएगा? माइकल मिसुस्तिन। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। दो मिलिट्री एक्सरसाइज पर्टिकुलरली हमारे पास है। फर्स्ट पर है शक्ति 2024, जो कौन से कंट्री के बीच में हुई, यही आपको पूछा जाएगा। ये एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में हुई? भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर हुई? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में हुई, जहाँ की DGP के बारे में भी हमने न्यूज़ पढ़ी थी। तो मेघालय होस्ट करने जा रहा है शक्ति 2024 एक्सरसाइज। दूसरी है हमारे पास तर्कश किसके बीच में है? भारत और USA, और वो कहाँ पर होने जा रही है? वो होने जा रही है भारत के ही राज्य, या मैं कहूँ एक शहर कोलकाता में। अगली न्यूज़ है हमारे पास ऑपरेशन सद्भावना ऑफ इंडियन आर्मी फॉर सिक्किम। आपने अक्सर देखा है ऐसी न्यूज़ आपको पूछी जाती हैं, ये वाला ऑपरेशन किससे रिलेटेड है या कुछ और ऑपरेशन किससे संबंधित है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सद्भावना की, जो संबंधित है सिक्किम से। सिक्किम में ही क्यों ये शुरू किया गया? ड्यू टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसी के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। सिक्किम में, जिसे हमने शॉर्ट में क्या लिखा था? ग्लॉफ लिखा था। इसके कारण सिक्किम में एक डिजास्टर वाली कंडीशन आ गई, बहुत लोगों को वहाँ हानि हुई, और लोगों की सुरक्षा के लिए जो भारतीय आर्मी ने शुरू किया, वो शुरू किया ऑपरेशन सद्भावना। यहाँ पर हम और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, या ये हो गया ग्लेशियर, ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? ग्लेशियर लेक का निर्माण हो गया। और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ये भूमि है जिसकी वजह से ये पानी यहीं पर ही रुका हुआ है। बट लेट अस सपोज ये मेल्ट हो जाए, अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाए ये सारा पानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। या फिर आप देख पा रहे हैं ये अगर टूट के भी यहाँ गिर जाता है, एकदम से पानी का लेवल बढ़ेगा और ये पानी यहाँ से बाहर को आउटफ्लो हो जाएगा, जैसे कि बहुत अच्छे से इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ग्लेशियर लेक हो गया। अगर ग्लेशियर मेल्ट होता है, जो कि हम वेनेजुएला की न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो ग्लेशियर लेक का स्तर बढ़ेगा और इस बॉर्डर से वो ऊपर क्रॉस कर जाएगी और जितने भी सामने क्षेत्र होंगे उनको प्रभावित करेगी। इस डायग्राम में भी आप सेम चीज़ देख पा रहे हैं। ये हो गया ग्लेशियर सराउंडिंग में, और यहाँ पर बनी हुई है उस ग्लेशियर के कारण झील। अगर इसका लेवल बढ़ता है तो आसपास के सभी क्षेत्रों में ये मेल्ट हो जाएगी, आगे बढ़कर जाएगी, और जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली है सिक्किम में। अगली न्यूज है हमारे पास, यूनेस्को एड्स 3 इंडियन मास्टरपीस टू मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को ने 3 भारतीय उत्कृष्ट कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। कौन सी हो जाएंगी? पहले तो हम बात करें, यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इन 3 को शामिल किया है। सबसे पहले है द वेरी फेमस रामचरितमानस, जिसको किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। सेकंड पर है पंचतंत्र की कहानियाँ किसने नहीं सुनी, और ये तो बहुत बार पूछा भी गया है कि किसने लिखी है पंचतंत्र? पंडित विष्णु शर्मा ने। और तीसरे पर है हमारे पास सहृदयलोकन्ना, जो लिखी है आचार्य अनंत वर्धन जी ने। ये 3 जो बुक्स हैं, महान हमारे मास्टरपीसेस हैं, वो शामिल किए गए हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर बाय यूनेस्को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ डिवाइसेस से हमारे पास न्यूज़ है। फॉर्मर डिप्यूटी CM ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी पासिस अवे। बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का निधन। अगर हम सुशील कुमार मोदी जी की बात करें, वो 72 ईयर्स ओल्ड और कहाँ के सीनियर BJP लीडर फ्रॉम बिहार। He became deputy CM in 2005 under Nitish Kumar. Nitish Kumar जी के अंडर, यानी कि ये CM थे, और इनके अंडर जो सुशील कुमार मोदी हैं वो बने थे उप मुख्यमंत्री, deputy CM।
ही वॉज द मेंबर ऑफ ऑल द फोर हाउसेस. ये वाली उपलब्धि कम ही लोगों को प्राप्त होती है कि जो चारों सदनों का सदस्य रह चुका हो. चार हाउसेस, कौन से हाउसेस की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, संसद के दो भाग जो होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के सदस्य रह चुके हैं वो. इसके अलावा राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हमारे पास वो पार्ट्स होते हैं. वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधानसभा और विधान परिषद, उन दोनों के भी ये सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन चारों हाउसेस के ये रह चुके हैं सदस्य और बिहार से संबंधित है. रिसेंटली इनका हुआ निधन. नेक्स्ट हमारे पास है एक फेमस पंजाबी पोइट सुरजीत पात्र पासिस अवे. पंजाबी कवि सुरजीत पात्र जी का निधन. ही वॉज 79 ईयर्स ओल्ड और पंजाब से संबंधित है, वो तो हमें समझ आ ही रहा है. अगर हम इनके सम्मान देखें कि भारत सरकार ने इन्हें किस किस सम्मान से सम्मानित किया था, फर्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था वर्ष 1993 में, और 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. उसी समय की पिक्चर आपके सामने है 2012 की, जब पद्मश्री से उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी इनको कर रही हैं सम्मानित. और फोटो में आपके सामने हैं सुरजीत पात्र जी. अगली न्यूज है अगेन साहित्य अकादमी विनर सलाम बिन रजाक पासिस एट 83. साहित्य अकादमी विजेता सलाम बिन रजाक का 83 साल की उम्र में निधन. फेमस उर्दू विषय से संबंधित, या मैं कहूँ उर्दू भाषा से संबंधित ये पोइट रह चुके हैं और इनका निधन हुआ है इन द एज ऑफ 83. अगली न्यूज है हमारे पास पी श्याम निखिल बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर. ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित हैं. और इनसे पहले ये कितने नंबर के बने हैं? 85th. 84th नंबर पर कौन थे? आर वैशाली वॉज द 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर. सबसे पहले की अगर हम बात करें, विश्वनाथन आनंद वॉज द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर इन 1988. और अब तक भारत को सिर्फ 3 बार ही फीमेल ग्रैंड मास्टर्स मिली हैं. कौन कौन? एक तो आर वैशाली जो कि 84th नंबर पर ही थी, इनके अलावा कुनेरू हम्पी एंड द्रोणावली हरिका. ये 3 विमेन ग्रैंड मास्टर्स भारत के रह चुकी हैं और पी श्याम निखिल बने हैं 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. अगली न्यूज है हमारे पास रस्किन बॉन्ड अवार्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप. रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया. इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन. और इनकी अगर हम वेरी वेरी फेमस रचनाओं की बात करें, हमारे पास है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जिनके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था इन द ईयर 1992. 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से इनको 2012 में सम्मानित किया गया था. 1999 की पिक्चर है जब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है. और अगर आप टेक्स्ट पढ़ पाएं, यहाँ लिखा भी हुआ है मैं भारत का राष्ट्रपति K.R. नारायणन उस समय प्रेसिडेंट थे, व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मान को पद्मश्री प्रदान करता हूँ. और फोटो में है K.R. नारायणन जी एंड सामने हैं रस्किन बॉन्ड जी फ्रॉम द ईयर 1999. और अगर हम अब के पुरस्कार देखें, ये वो रिसेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, साहित्य अकादमी फेलोशिप, और 2014 में उनको दिया गया था पद्म भूषण, जिस समय हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चार्ड मिलिट्री डिक्टेटर इड्रिस डेबी विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. चार्ड के सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता. अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारे पास न्यूज़ है, वहाँ की एक कंट्री है चार्ड और जहाँ के इद्रिस बने हैं न्यू प्रेसिडेंट. अगर हम मैप पे उसकी लोकेशन देखें तो देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये बिल्कुल यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कंट्री लोकेटेड हो जाएगी, इक्वेटर के बीच में, इक्वेटोरियल क्षेत्र में जो पड़ रही है प्रॉपरली, नॉट इक्वेटोरियल पर्टिकुलरली बट ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो कंट्री हमारे पास पड़ रही है, दिस इज चार्ड ओवर हेयर. और जहाँ के न्यू बने हैं प्रेसिडेंट इद्रिस डेबी. अगली न्यूज है हमारे पास नेपाल्स माउंटेनियर कमी रीता शेरपा क्लिम्स माउंट एवरेस्ट फॉर 29th टाइम. कुछ महीने पहले हम सेम न्यूज़ पढ़ चुके हैं कि नेपाल के कमी रीता ने 28th टाइम, सबसे अधिक बार किसी पर्सन द्वारा ये एवरेस्ट की चढ़ाई की गई है. और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 29th टाइम एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है. नेपाल के ये शेरपा रह चुके हैं जिनका नाम है कमी रीता. और फोटो में आपके सामने है हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट. अगली न्यूज़ आ रहा अब देखते हैं कुछ प्रश्न.
कि आपको कितने ध्यान रहे आज की वीडियो से। सबसे पहले हमारे पास है इदाशिशा नौग्रांक किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। इदाशिशा नौग्रांक बिकेम फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट। हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा। हमने पढ़ा था कि वो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली वुमेन डीजीपी हैं और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। खासी जनजाति से वो संबंधित हैं और वो बनी है वहाँ की पहली महिला डीजीपी। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 10th ऑफ मई, 11th ऑफ मई, 12th ऑफ मई या फिर 13th ऑफ मई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12th ऑफ मई। फ्लोरेंस नाइटिंगल जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। अगली जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, शक्ति इज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी कि शक्ति भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। हमारे ऑप्शंस हैं यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है शक्ति 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन सद्भावना ऑफ इंडियन आर्मी इज स्टार्टेड फॉर विच स्टेट। भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य के लिए शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। हमने पढ़ा था वहाँ पर ग्लोफ के कारण, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुआ है उसको कम करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है भारतीय आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कामेरिता बिलोंग्स टू विच कंट्री। कामेरिता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 29th बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। हमारे ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार मोदी पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट। सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ है और वह किस राज्य से संबंधित थे। हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वहां के डिप्यूटी सीएम भी वो रह चुके थे 2005 के लगभग आसपास और उनका हुआ है हाल ही में निधन। अगला क्वेश्चन है, हु रोट पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा। हमारे ऑप्शंस हैं राम शर्मा, विष्णु शर्मा, अशोक शर्मा या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र की कहानियां। अगला प्रश्न है, हु रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा। हमारे ऑप्शंस हैं गोस्वामी तुलसीदास, ऋषि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर नन ऑफ द अबव। और राइट आंसर हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं, चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान या फिर यमन। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान में लोकेटेड है चाबहार पोर्ट, जिसके साथ भारत ने साइन की है 10-year डील उसके शाहिद बिहिस्ती पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए। अगला प्रश्न रहेगा, व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 20th ऑफ मई, 21st ऑफ मई, 22nd ऑफ मई या फिर 23rd ऑफ मई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21st ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। हमारे ऑप्शन है ईरान, इसराइल, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति जी की मृत्यु हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, कंवर लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच रिवर। कंवर झील किस नदी के कारण बनी है। और हमारे ऑप्शंस रहेंगे गंगा, यमुना, गंडक या फिर कोसी। जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। हमने पढ़ा था कंवर लेक जो है वो एक ऑक्सबो लेक है। किस नदी के कारण वो ऑक्सबो लेक बनी है ये आपने हमें कमेंट्स में लिखकर बताना है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।